का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दीक्षा का प्रारंभ और दीक्षा का विकास। प्रारंभ हुआ, अब विकास की प्रक्रिया शुरू हो, तो विकास के लिए जो कुछ मौलिक बातें हैं उन पर ध्यान देना जरूरी होता है। प्राथमिक और उत्तर की बातें, प्राथमिक बातें जैसे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं, रोटी पानी, कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा और आगे का विकास और होता है। वैसे ही साधना के क्षेत्र में मौलिक बातें या प्रारंभिक बातें कि कहाँ से शुरू करें हम, साधना कहाँ से शुरू करें हम, दीक्षा का प्रारंभ कर दें किंतु दीक्षा को आगे कैसे बढ़ाएं। दीक्षा ये भारतीय चिंतन का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दीक्षा और अनेक प्रकार की दीक्षा होती है, चाहे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आजीवक साहित्य, किसी भी परंपरा का साहित्य, सब में दीक्षा का बड़ा महत्व है। दीक्षया व्रत मापनोति, पहले दीक्षा फिर कोई आगे व्रत विकास की बात होती है। संस्कृत का जो दीक्ष धातु है, दीक्षम मौंडे जोपनयन नियम व्रतादेशेषु, इतने अर्थ होते हैं। अनेक अर्थों में दीक्षा शब्द का प्रयोग है। नियम, व्रत और जीवन के सारे आदेश। तो प्रारंभ कहां से करें, साधना को कहां से पकड़ें। पहले बिंदु को पकड़ना बड़ा कठिन होता है कि प्रथम बिंदु उसे पकड़ लें, वह हाथ में आए तो फिर आगे विकास हो सकता है। तो प्रथम बिंदु के लिए दसवीं कालिक सूत्र में जो निर्देश दिया गया है, और इससे आगे जाए तो भगवान महावीर ने स्वयं मेघ कुमार को यह दीक्षा दी थी, उत्तर दीक्षा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है और शायद इसका मूल्यांकन हर आदमी तो नहीं करता। हर आदमी तो बाहर की बात देखेगा कि रंग रूप कैसा है या पैसा कैसा है या फलां कैसा है, किंतु जीवन की जो मूल बातें जिनके आने पर आदमी आनंद का जीवन जीता है, सुख का जीवन जीता है और जिसका मूड भी बार बार खराब नहीं होता। नहीं तो ऐसा होता है कि आदमी का मूड भी दिन में पता नहीं कितनी बार बिगड़ जाता है। एक कवि ने संपादक के पास अपनी कविता भेजी, लौट आई, दूसरी बार भेजी, लौट आई, 49 बार भेजी 49 बार ही लौट आई, आखिर 50वीं बार भेजी, वह प्रकाशित हो गई। तो संपादक ने पत्र लिखा कि आपके श्रम को धन्यवाद, आपके साहस को धन्यवाद कि इतनी बार कविता लौटाई तो भी आप थके नहीं, धन्यवाद आपको। पत्र पढ़ा तो कवि ने वापस लिखा कि आपके मूड को भी धन्यवाद, यह 50वीं बार वही कविता है जो मैंने पहली बार भेजी थी। पहली बार तो आपने नहीं छापी, 50वीं बार भेजी तब छाप दी, तो इसका और मैं क्या कह सकता हूं। आपके मूड की बात है तो आपके मूड को भी धन्यवाद। पता नहीं आदमी का मूड कितनी बार बिगड़ता रहता है, कैसा होता रहता है।
मूड न बिगड़े उसके लिए क्या क्या जरूरी है, जीवन की मूलभूत बातें एक गाथा में सारा निर्देश मिलता है। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सए जयं भुंजन्तो भासन्तो पावकम्मम न बंधई। पाप कर्म से बचना, बुराई से बचना, अकरणीय से बचना और कसाय से बचना, मूड बिगड़ने से बचना, उसके लिए पहली शर्त है जयम चरे संयम पूर्वक चलो। चलो कैसे चलो, चलते तो है आदमी, संयम पूर्वक चलो। एक शब्द में इतना बड़ा निर्देश दिया है चलने का, संयम पूर्वक चलो, चलते समय बातें मत करो। इस बात पर भी ध्यान दे, एक नई वैज्ञानिक खोज है कि जो व्यक्ति चलते समय बात करता है उसकी रीढ़ की हड्डी का दर्द होने का ज्यादा खतरा रहता। ये आज की वैज्ञानिक खोज है, प्रामाणिक खोज है कि जिसको रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखना हो उसे चलते समय बात नहीं करनी चाहिए। साधु साधियों के लिए तो निषेध है चलते समय बात न करे, पर प्रमाद तो करते ही है और शायद ये रीढ़ की हड्डी का दर्द बढ़ता है अनेक कारणों में। एक कारण यह भी हो सकता है कि चलते समय बात करते हैं ध्यान नहीं रहता ठीक चलने का, पैरों का विन्यास भी ठीक नहीं रहता, तो फिर बेचारी रीढ़ की हड्डी क्या करे, उसको भी खतरा पैदा हो जाता है। जयम चरे संयम पूर्वक चलो, चलने की भी बहुत नियम है चलने के और अनेक नियम है, पर पहला यह है कि देख कर चले, भूमि को देख कर चले। और देख कर चलने के भी कई नियम आ गए आजकल, कि स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा है कि देख कर चले, हमारा ध्यान आगे भूमि पर रहे, यह एक मिट्टी के स्पर्श का स्वास्थ्य का भी बड़ा सूत्र बनता है। हमें हर नियम को अनेक दृष्टियों से देखना चाहिए कि इस नियम के पालन से शारीरिक स्वास्थ्य का क्या लाभ हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य को क्या लाभ मिल रहा है, भावनात्मक स्वास्थ्य हमारा कैसे अच्छा हो रहा है। कम से कम 3 व्याख्याएं तो कर दें, और फिर हमारी चेतना का विकास कैसे हो रहा है, परमार्थ की चेतना कैसे बढ़ रही है, ये उत्तरवर्ती बात भी आ जाए। जयम चिट्ठे, खड़ा होना है क्यों, चलना भी जरूरी है जीवन में तो चलेंगे, फिर खड़ा होना भी जरूरी है, खड़ा होने का भी नियम है कैसे खड़े हों, संयम पूर्वक खड़े हों। संयम पूर्वक खड़ा होना आज तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विचार करें तो किसी फिजियोथेरापिस्ट या डॉक्टर के पास खड़े हो बताएगा कि आप खड़े ठीक से नहीं हुए, सीधे खड़े हों। और सीधा वही हो सकता है जिसने ताड़ासन का अभ्यास किया है, ताड़ासन का अभ्यास किया है उसके सारे स्नायु और सारी आदतें और नाड़ी तंत्र ठीक काम करता है, सीधा खड़ा हो जाता है। जिसने कोई आसन का अभ्यास नहीं किया वह टेढ़ा मेढ़ा मुड़कर खड़ा होगा। जय मासे, तीसरी बात है कि बैठो, बैठना भी जरूरी है, चलोगे खड़े भी होगे तो आखिर हर समय नहीं चल सकते, हर समय खड़े भी नहीं हो रहोगे, तो बैठोगे तो कैसे बैठो, कि संयम पूर्वक बैठो, बैठना भी संयम पूर्वक है। और बैठने का तो बहुत बड़ा विज्ञान है, बैठने का कैसे बैठे, गीता में भी इसका बहुत सुंदर मिलता है कि समकाय समग्रीव, समकाय समग्रीव, सीधा शरीर रहे, ग्रीवा भी सीधी रहे। बहुत लोग इतने टेढ़े मेढ़े बैठ जाते हैं, गर्दन को भी टेढ़ा कर लेते हैं और लिखते समय भी इतना टेढ़ा कर लेते हैं ऐसा लगता है कि वो 2 आदमी हो गए। कभी कभी देखता हूं मैं, टोकता भी हूं कैसे कैसे लिख रहे। सम का ग्रीवा सम रहे, यानी हमारा नाड़ी तंत्र और उसका एक भाग है जो रीढ़ की हड्डी पीछे का भाग, सुषुम्ना का भाग या अनुकंपी परानुकंपी नाड़ी तंत्र का भाग, ये एकदम सीधा रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ये बहुत आवश्यक है।
जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा एक साधन है हमारा पृष्ठ रज्जु, रीढ़ की हड्डी। जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है वह बहुत सारी बातों से बच जाता है, बीमारियों से बच जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में भी इसका विधान किया गया कि अगर पानी पीना है ऐसे पियो, ऐसे होकर मत पियो, टेढ़ी होकर मत पियो। और वहां तो ऐसा विधान है कि छींक भी लेनी हो तो ऐसे सी ले लो, ऐसे होकर मत पियो। उबासी भी लेनी हो तो टेढ़ी होकर मत ले, खाना हो तो भी टेढ़ी होकर मत खाओ। रीढ़ की हड्डी बराबर सीधी रहे, समग्री व समकाय समग्री व, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसका कारण भी है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है या विकास करना चाहता है तो विकास का माध्यम क्या है? रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसीलिए हमारे दो हाथ हो गए। जिनके रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है उनके चार पैर है, दो हाथ होते ही नहीं है। दो हाथ के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। विकास का आधार क्या है? दो हाथ, दस अंगुलियां, सारा विकास इन पर निर्भर है। और जिन प्राणियों को, पशुओं को, किन्हीं को ये रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं मिली, वे चार पाए हैं, चार पैरों से चलते हैं, उनके दो हाथ नहीं, और दो हाथ के बिना हजारों हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनका कोई विकास नहीं होता। बड़ा महत्वपूर्ण है। और बार बार ये बात आई कि अब तो मन के में दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी को ऐसा हो गया, तो सोचना चाहिए कि तुमने जयम आज से इस नियम का पालन नहीं किया। जो दीक्षा का प्राथमिक सूत्र है, जयम मां से संयम पूर्वक बैठो, इसका पालन नहीं किया। कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसे बैठ जाते, ऐसे बैठते। प्रेक्षा ध्यान का भी एक नियम है, एक सूत्र हमने बनाया एक प्रेक्षा ध्यान का, कि जैसा बैठने का होगा आसन वैसा भाव हो जाएगा, भाव वैसा बन जाएगा। एक आदमी को कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कुछ भी नहीं, और अगर ऐसे बैठ गया तो पांच मिनट बाद चिंता उतर आएगी, शोक में चला जाएगा। बड़ा महत्व होता है बैठने का, हम कैसे बैठे, कैसे बैठे। आज से लगभग 10 वर्ष पहले एक प्रशासन के अधिकारी जो कलेक्टर और कमिश्नर रहे, गौड़ साहब, उन्होंने लिखा था, मेरे जन्म पर भी लिखा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास डाकर आए जो 75 वर्ष कैसी दे बैठती। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात हुई है? बड़ी बात तो नहीं है, पर जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से ठीक काम लेना चाहता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अधिकतम अभ्यास करे कि सीधा बैठे, टेढ़ा मेढ़ा न बैठे, और टेढ़ा मेढ़ा बैठकर काम भी न करे। जय मां से तीसरा नियम, पहला नियम संयम पूर्वक चलो, दूसरा नियम संयम पूर्वक खड़े हो, और तीसरा नियम संयम पूर्वक बैठो, चौथा नियम जयम सए संयम पूर्वक सोओ। अब ना कोई सोने का भी कोई नियम होता है क्या? नींद आई या बैठे और चाहे जैसे लेट जाते हैं। स्वास्थ्य का भी बड़ा संबंध है कि कैसे सोना चाहिए, पैर कैसे रहने चाहिए, सिर कैसे रहना चाहिए, बीच का हिस्सा कैसे रहना चाहिए। सोने के तो अनेक नियम है, बहुत नियम है। डॉक्टर आए थे और मैं लेटा, उन्होंने जांच की, मैं उठने वाला था तो उन्होंने कहा आप सीधे मत उठिए। मैंने कहा मैं जानता हूं इस बात को, सीधा उठना भी नहीं चाहिए, जो एकदम सीधा उठेगा तो रीढ़ की हड्डी खराब नहीं है तो हो जाएगी उसकी। कैसे उठना चाहिए? जब उठना है लेटा हुआ सीधा तो मुड़कर धीरे धीरे कैसे उठना चाहिए, उठने की भी कला है, सोने की भी कला है। तो चौथा नियम है कि संयम पूर्वक सोए। पांचवा नियम जयम भुंजे संयम। भोजन तो करना अनिवार्य है, कोई भी होगा भोजन तो करना पड़ेगा, जब तक जीवित है तब तक भोजन करना होता है, काम करना है तो भोजन करना होता है, तो आवश्यक है। तो कैसे करें?
क्या संयम पूर्वक। पर कठिनाई यह है कि यह जीव या रसनेन्द्रिय की ऐसी कोई मांग रहती है कि अच्छी चीज आए तो फिर संयम टूट जाता है। बहुत भोजन किया, कहीं भोज था, गए और बहुत भोजन किया और बोला बस बस अब तो तृप्त हो गया बस। इतने में जो परोसने वाला था वह देखा बड़ा आदमी है, एक कटोरा मलाई लेकर आए, जाड़ी जाड़ी गहरी जाड़ी मलाई लेकर आया, ऊपर मिश्री चीनी डाली हुई और भी कुछ के मलाई के लाओ। तो पास में बैठा बोला आदमी बोला कि आपने कहा था बस बस, अरे तुम समझते नहीं हो, बस पूरी भर गई पर जो ड्राइवर की सीट तो खाली रहती है ना, पता नहीं क्या भाव बदल जाती, संयम नहीं रहता। कोई ऐसी चीज आ जाए तो वह लोलुपता की लार टपक पड़ती है। संयम पूर्वक आपने देखा होगा, हमारे साधु साधियां जानते भी हैं, आचार्य तुलसी भोजन करते और हाथ धो लिया, फिर साधु भिक्षा में कोई भी चीज लाए, कितना अनुरोध करे, प्रार्थना करे, आग्रह करने पर वह लोह की लकीर थी, तो कुछ भी हो बस जितना आवश्यक कर लिया, आगे कुछ भी नहीं। खाने का संयम, संयम पूर्वक खाना, यह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर मानसिक स्वास्थ्य को छोड़ दें किंतु शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। और जो व्यक्ति खाने का ध्यान नहीं रखते बीमार होते हैं, और इसका एक वैज्ञानिक कारण यह है कि ज्यादा खाते हैं पूरा पाक नहीं होता तो वे फिर फ्री रेडिकल कुछ ऐसे बन जाते हैं, वे घूमते रहते हैं और वे स्वास्थ्य को बिगाड़ते रहते हैं और सब कुछ खराब होता रहता है। संयम पूर्वक खाना यह पांचवा नियम, और खाने के तो बहुत नियम है। छठा नियम, जयम भाषे, बोलना आवश्यक होता है किंतु संयम पूर्वक बोले। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि बोलने से स्वास्थ्य का क्या संबंध है, बोलने से तो बहुत गहरा संबंध है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी संबंध, मानसिक स्वास्थ्य का भी संबंध और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी संबंध, बोलने के साथ तो बहुत गहरा संबंध है। संयम पूर्वक बोले, बोलने में हमारा संयम रहे। एक दृष्टि से देखें तो कटु वचन न बोले, ये बोले का संयम, कड़वी बात न कहें, व्यंग न बोले, मर्म की बात न कहें, ये बोलने का संयम। दूसरी ओर बोलने में मधुरता हो, इतने जोर से न बोले कि गला फाड़ जाए, मधुरता ही समाप्त हो जाए, न इतना जोर से गाए न इतना जोर से बोले, मंद स्वर मध्य स्वर जिससे वाणी में मधुरता रहे और सरसता भी रहे। कुछ लोग बोलते हैं तो इतने तेज बोलते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द तो बेचारे माइक को, सारा उसी को सहना पड़ता है इतना। एक कोई युवक आया, या कहते हैं युवती आई, महिला आई और आकर बोली आज मुझे पुरस्कार मिला। घर वालों ने कहा बहुत अच्छी बात है, पुरस्कार मिला, कि किस बात का मिला, कौन सा गीत गाया तुमने, क्या गाने का नहीं गाना बंद करने का पुरस्कार मिला। जब कोयल के गले में हार देखा और कौवे का मन ललचाया, पूछा कि हार कहां से लाई हो, कि स्वर्ग में गई थी, मैंने गाना गाया और इंद्र ने खुश होकर मुझे हार दिया है। तो वह भी गया और वह भी बोला कि मैं भी गाना सुनाना चाहता हूं। जब उसने भी गाना सुनाना शुरू किया, फटने कान लगे सुरगण के, कांप उठे स्वर्ग किनारे, सारी एकदम ऐसी हालत हो गई। इंद्र बोला अब रहने दो बस मित्र प्यारे, कांप उठे हैं स्वर्ग किनारे, अब तुम अपना रहने दो। तब कौवा बोला मेरी एक भूल हो गई, क्या हुआ,
कि मैं साजबाज लेकर नहीं आया, साजबाज बिना गाना अच्छा नहीं लगता, अब मैं साजबाज लेकर आता हूं फिर गाना सुनाऊंगा तो आप देखेंगे कैसा होता है। कि किसको लाओगे, किसको लाओगे, गधे को लाऊंगा, कुत्ते को लाऊंगा, कुत्ते की तारीफ करूं क्या, गधे को जिसका स्वर मतवाला है, ऊंट को लाऊंगा, गधे को लाऊंगा, कुत्ते को लाऊंगा। तब इंद्र बोला रहने दो सब मित्र प्यारे, अब सब रहने दो, बस तुम चले जाओ विदा और गाना बंद करो। तो ऐसा भी सोचें, यह भी एक कला है कि कैसे बोलना, कैसे गाना, कौन सा स्वर कितना मधुर, इतना तेज नहीं, और बातचीत में भी तेज नहीं, चाहे तो कोई प्रसंग है बातचीत करने का, भोजन करने का, और कुछ करने का, एक मंद स्वर से हो। भारतीय लोग वैसे ही बहुत तेज बोलते हैं, आदत है, किसी भी विदेशी को सुनो बहुत इतना शांत भाव से बोलेंगे, यहाँ के लोग बहुत तेज बोलते हैं, कि हमारा स्वर इतना मंद हो, मंद जिससे जिसको सुनाना हो सुनाई दे, अनावश्यक शक्ति भी खर्च न हो। और ये भी सब जानते हैं बोलने से भी शक्ति बहुत खर्च होती है, शक्ति के ऊर्जा के व्यय के अनेक कारण हैं, जो हमारी शरीर की ऊर्जा प्राण ऊर्जा का खर्च होता है, उस खर्च होने में बोलने में भी शक्ति बहुत खर्च होती है। इसलिए यह भी सावधान कि सारे दिन बोले नहीं, मौन करें। मैं उस मौन को महत्व नहीं देता कि घंटा भर तो मौन की वापस इतनी कसर निकाले, पांच घंटा की कसर निकाल, वह मौन नहीं। मौन का अर्थ है अनावश्यक न बोले, बिना मतलब न बोले, और अधिक जोर से न बोले, एक संतुलित भाषा में हो, तो यह हमारा वाणी का विवेक। जयम भाषे, संयम पूर्वक बोले। अब ये छह सूत्र है हमारे जीवन के मौलिक सूत्र हैं, चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, खाना और बोलना, जो जीवन की आवश्यक प्रवृत्तियां जो प्रतिदिन चलती हैं, इनके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाए, और इनका समाचरण कैसे करना चाहिए ये कला आ जाए, ये जीवन की कला, जीने की कला। बहुत लोग पूछते हैं जीने की कला क्या है, जीने का रहस्य क्या है, जीने का मर्म क्या है, यह जीने की कला है। कोरा चलना नहीं, प्रश्न रहे कैसे चलना, कैसे खड़ा होना, इनका प्रशिक्षण मिले। यह तो आज का तो एक प्रारंभ बिंदु है, इन छहों का ही विधिवत प्रशिक्षण मिले तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। हमें अप्रमत्त रहना है, संयम के प्रति जागरूक रहना है, और उस अप्रमाद के लिए इन छह सूत्रों पर विशेष ध्यान देना कि कैसे हम बोलें, कैसे चलें, हम असंयम पूर्वक न बोलें। संयम एक ऐसा मंत्र है, जीवन की सफलता का मंत्र है संयम। हम खुले न रहें, संयम करें और संयम के साथ सारे कार्यों का संपादन करें, तो संयम के साथ सारी प्रवृत्तियां हमारी चलती है तो जीवन बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो भी दीक्षा लेने वाला है उसे प्रारंभ में ही जीवन की कला को सीख लेना चाहिए कि मुझे कैसे जीना है। जब 70 वर्ष का 60 वर्ष का हो जाए तब फिर मरने की कला भी सीखे प्रारंभ से ही, फिर मरने की कला का प्रयोग करे, 60 वर्ष बाद मरने की कला की तरफ चला जाए कि मरने की कला सीखना है और मुझे कैसे मरना है, कैसे जीना और कैसे मरना, क्योंकि जीवन मरण तो अनिवार्य है, दोनों घटनाएं, तो जीना अनिवार्य है और मरना भी अनिवार्य है, तो जीने की कला भी मरने की कला भी, दोनों प्रकार की कला का बोध करें
तो यह जीवन और संयम यात्रा बहुत अच्छी तरह से संचालित हो सकती है। ओम अरहम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थ